आज के इस वीडियो में मैं आपको अमेज़न फायर टीवी स्टिक से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब दूंगा। वर्तमान में अमेज़न फायर टीवी स्टिक के 14 वर्जन उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग फीचर और टेक्नोलॉजी के साथ उपलब्ध हैं। अमेज़न फायर टीवी स्टिक के कुछ वर्जन एलेक्सा को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ वर्जन ऐसे हैं जिसमें वॉइस कंट्रोल का बटन नहीं आता है। अमेज़न फायर टीवी स्टिक वर्तमान में फायर स्टिक फर्स्ट जनरेशन, फायर स्टिक सेकेंड जनरेशन और फायर स्टिक थर्ड जनरेशन के वर्जन में उपलब्ध है। फायर टीवी स्टिक लाइट लाइट ऑल न्यू एलेक्सा वॉइस रिमोट के लाइट वर्जन के साथ आता है। फायर टीवी स्टिक लाइट में एलेक्सा वॉइस रिमोट का लाइट वर्जन आता है। अमेज़न फायर टीवी स्टिक लाइट में पावर वॉल्यूम बटन विथ रिमोट के साथ नहीं आता है। अमेज़न फायर टीवी स्टिक लाइट HDMI पास्तरों के साथ डोल्बे इनकोडेड ऑडियो को सपोर्ट करता है। अमेज़न फायर टीवी स्टिक लाइट हैंड्स फ्री विद एलेक्सा को सपोर्ट नहीं करता है। अमेज़न फायर स्टिक लाइट की पिक्चर क्वालिटी 1080 पिक्सल फुल HD विद सपोर्ट HDR, HDR 10 प्लस, HLG आदि को सपोर्ट करता है। अमेज़न लाइट फायर स्टिक वाईफाई 6 सपोर्ट नहीं करता है। अमेज़न फायर स्टिक लाइट लाइव व्यू पिक्चर इन पिक्चर टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट नहीं करता है। अमेज़न लाइट फायर स्टिक में क्वाड कोर प्रोसेसर आता है। क्वाड कोर प्रोसेसर को अमेज़न फायर स्टिक लाइट सपोर्ट करता है। अमेज़न फायर स्टिक लाइट और अमेज़न लाइट फायर स्टिक के साथ फ्री इंक्लूड 1 ईयर सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है। अमेज़न फायर स्टिक लाइट का स्टोरेज कितना होता है? अमेज़न फायर टीवी स्टिक लाइट का स्टोरेज 8 GB का आता है। यदि कोई व्यक्ति अमेज़न फायर टीवी स्टिक खरीदता है तब उसे 8 GB का स्टोरेज मिलता है। अमेज़न फायर टीवी स्टिक में कितने GB की मेमोरी होती है? अमेज़न फायर टीवी स्टिक में 1 GB की मेमोरी आती है। अमेज़न फायर स्टिक थर्ड जनरेशन के बारे में जानकारी। फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन फायर टीवी प्लस फायर टीवी स्टिक लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन फुल HD स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है। अमेज़न फायर स्टिक थर्ड जनरेशन में हजारों मूवी और शो देख सकते हैं। फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन अमेज़न प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स को सपोर्ट करता है। अमेज़न फायर स्टिक थर्ड जनरेशन में डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, G5, सोनी लाइव टीवी, सोनी नेक्स्ट, एल्ट बालाजी, डिस्कवरी प्लस के साथ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले चैनल भी देखे जा सकते हैं। अमेज़न फायर स्टिक थर्ड जनरेशन को टीवी के पीछे बने HDMI पोर्ट की सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं। फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन एलेक्सा वॉइस सर्च को सपोर्ट करता है। फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन में प्ले पॉज का बटन आता है। फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन में आगे पीछे का भी बटन आता है। फायर स्टिक थर्ड जनरेशन 4K स्ट्रीमिंग को सपोर्ट नहीं करता है। अमेज़न फायर टीवी स्टिक LG टीवी में सपोर्ट करता है या नहीं? अमेज़न टीवी फायर स्टिक LG, वीडियोकॉन और सैमसंग टीवी में सपोर्ट करता है यदि उसमें HDMI पोर्ट है तो। यदि LG टीवी, सैमसंग टीवी और वीडियोकॉन टीवी में HDMI पोर्ट नहीं है तो अमेज़न फायर टीवी स्टिक इसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्या सोनी ब्रेव टीवी में अमेज़न फायर स्टिक सपोर्ट करता है? अमेज़न फायर स्टिक सोनी ब्रेव टीवी में काम करेगा यदि सोनी ब्रेव टीवी HDMI पोर्ट को सपोर्ट करता है। यदि सोनी ब्रेव टीवी में HDMI पोर्ट नहीं है तो अमेज़न फायर टीवी स्टिक ब्रेव टीवी में काम नहीं करेगा। क्या अमेज़न फायर टीवी स्टिक रिटर्नेबल है? अमेज़न फायर स्टिक तभी रिटर्नेबल है जब वह काम नहीं करेगा या फिर अमेज़न फायर टीवी स्टिक का डिफेक्टिव पीस आपके पास आ जाता है। अमेज़न फायर टीवी स्टिक यदि प्रॉपर तरीके से काम करता है तब आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते हैं। क्या अमेज़न टीवी स्टिक इंडिया वाईफाई पर काम करेगा? अमेज़न फायर टीवी स्टिक वाईफाई पर काम करता है। आप किसी भी नेटवर्क का वाईफाई यूज करो, अमेज़न फायर टीवी स्टिक काम करता है। शर्त यह है कि उस नेटवर्क में इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है। बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के अमेज़न फायर टीवी स्टिक काम नहीं करता है। क्या अमेज़न फायर टीवी स्टिक स्क्रीन कास्ट को सपोर्ट करता है? अमेज़न फायर टीवी स्टिक
स्क्रीनकास्ट को सपोर्ट करता है। अमेजोन फायर टीवी स्टिक से स्क्रीनकास्ट कर सकते हैं। हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में क्रोमकास्ट का फ्यूचर आता है। अमेजोन फायर स्टिक क्रोमकास्ट को सपोर्ट कर